हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद यर सौरभ। फ्रेंड्स, आज के एमएस एक्सेल के इस चैप्टर में हम सीखेंगे वी लुकअप विद इफ फॉर्मूला। इससे पहले की वीडियोज में हमने इफ फॉर्मूला को, इफ फंक्शन को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में जानकारी ली। उसके बाद हमने ये जाना कि वी लुकअप फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं और उसके थ्रू कैसे रिजल्ट हम लेते हैं। आज हम ये जानेंगे कि वी लुकअप और इफ इन दोनों फॉर्मूले को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी जरूरत क्या है वो जान लेते हैं। कि जैसे देखिए, यहाँ पे एक डेटा है और इसमें से हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर हम किसी का एम्प्लॉई आईडी लिखें तो यहाँ पे उसकी सैलरी आ जाए, और अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी हमें नहीं याद है और यहाँ पे उसका नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका नाम लिखने पे भी उसकी सैलरी यहाँ पर आ जाए। तो इस काम को हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे वी लुकअप फॉर्मूले को इफ फंक्शन के साथ जोड़ के। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक डेटा बना हुआ ऑलरेडी। हम चाहते हैं कि यहाँ सैलरी वाले कॉलम में यहाँ पे अगर आईडी लिखें तो उसकी आईडी से उसकी सैलरी यहाँ पे आ जाए, अगर उसका नाम लिखें हम यहाँ पे एम्प्लॉई का तो एम्प्लॉई के नेम से यहाँ पे सैलरी आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले टाइप करेंगे इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूले में क्या होता है, इफ फॉर्मूले में सबसे पहले क्या होता है, हमारा कंडीशन होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हमें क्या करना है, कंडीशन देना है। नेक्स्ट क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या वैल्यू आए, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो क्या वैल्यू आए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक लगाएंगे फंक्शन इज टेक्स्ट का। ओके, ये आ गया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब वैल्यू कहाँ से लेनी है हमें, यहां से लेनी है, इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, ओके कॉमा लगाएंगे। अब ये क्या कह रहा है, वैल्यू इज ट्रू, अगर इस वाले सेल में कोई टेक्स्ट है तो वैल्यू अगर ट्रू है तो क्या करें। अब हम यहाँ पे देखिए इफ फंक्शन के साथ वी लुकअप यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, वी लुकअप। अब वी लुकअप के अंदर क्या आता है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू अभी भी हमारी यही रहेगी, ओके कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे, टेबल एरे हमारा क्या हो गया, इस टेबल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल हमारा सेलेक्ट हो गया, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, देखिए ये वैल्यू कब है, अगर हमारा एम्प्लॉय आईडी कोई टेक्स्ट है और वो ट्रू है तो क्या है। तो अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर, हमारी सैलरी कौन से कॉलम में है, यहाँ से आप काउंट करेंगे तो आएगा फिफ्थ नंबर में। तो यहाँ पे फिफ्थ टाइप करेंगे, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट मैच लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो, ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये हमारी हो गई इफ फंक्शन में अगर वैल्यू ट्रू है तो। ओके, अब हमें क्या है, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर इस वाले हमारे एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं है तो क्या हो। यहाँ पे फिर से एक वी लुकअप फॉर्मूला लगा लेंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी अभी भी यहीं से हमने लेना है, कॉमा। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या ध्यान देना है, यहाँ पे टेबल एरे फिर से पूछ रहा है। अब अगर आपने यहाँ पे पूरा टेबल फिर से सिलेक्ट कर लिया तो आपका काम यहाँ पे खराब हो जाएगा, आपकी वैल्यू यहाँ पे सही नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है कि हमें क्या लेना है, यहाँ पे अगर टेक्स्ट नहीं है तो हमें आईडी से लेना है। तो अब हम टेबल एरे अपनी यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। ओके, आप देख सकते हैं हमने अब क्या किया, नेम वाला हमने यहाँ पे कर दिया स्किप, कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा कहाँ से काउंट होगा, जहां से हमने अपने टेबल एरे को लिया हुआ है। तो अगर यहाँ से हम काउंट करें तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर बनता है 4, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करते हैं, जीरो, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आप जितनी बार ब्रैकेट ओपन किया उतनी बार आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, अदरवाइज आपके फॉर्मूले में फेर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे चार नंबर जो एम्प्लॉई आईडी है उसकी सैलरी है 25,000, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चार नंबर एम्प्लॉय आईडी, सैलरी 25,000। अब चलिए यहाँ पे कोई नेम लिख के देख लेते हैं, यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं सॉरी। ओके, देखिए जैसे हमने यहाँ पे सॉरी लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉरी ये है, इनकी सैलरी कितनी है 20,000, और देखिए यहाँ पे सैलरी 20,000 लिखकर आ गई। चलिए यहाँ पे कोई दूसरा नेम लिख के देख लेते हैं, निर्मल, सैलरी आ गई 32,000। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्मल ये है, इनकी सैलरी कितनी है 32,000। ओके, अब इसमें कोई आईडी आप फिर से अगर चेक करना चाहते हैं तो कोई एक आईडी डाल के भी देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम कोई एम्प्लॉय आईडी लिख रहे हैं तो एम्प्लॉय आईडी से उसकी सैलरी उठ के आ जा रही है, और अगर यहाँ पे हम किसी एम्प्लॉय का नेम लिख रहे हैं तो
तो उससे भी उसकी सैलरी निकल कर आ जा रही है। तो फ्रेंड ये है आपका VLOOKUP फॉर्मूले को इफ फंक्शन के साथ यूज करने का तरीका। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल पर बने रहें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।